આમોદ પાસેથી પસાર થતા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નંબર 64ના વિસ્માર રોડના કારણે રાત્રિના સમયે ભારદારી વાહનો ખુટકાતા કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો, તેમજ વાહન ચાલકો સમય મર્યાદામાં માલની ડિલિવરી ના કરી શકતા વાહન ચાલકોને આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો, જેના કારણે વાહન ચાલકોએ હાઈવે ઓથોરિટી સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ ઉપરાંત ઘરેલું ગેસનું સિલિન્ડર ભરેલી ટ્રક ઊંડા ખાડાના કારણે પલટી જતા રહી ગઈ હતી, જો કે કોઈ નુકસાન ન થતા તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. હાઈવે ઓથોરિટીના ભ્રષ્ટાચારી તંત્રના કારણે વાહન ચાલકો તેમજ મુસાફરો પરેશાન થઈ રહ્યા છે અને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. ત્યારે આમોદ તાલુકાનું વહીવટી તંત્ર પણ મૂક પ્રેક્ષક બની તમાશો જોઈ રહ્યું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે, જેથી નગરજનોમાં વહીવટી તંત્ર સામે પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. मैं यहाँ दबोई से आता हूँ, जो करजन से आगे 35 किलोमीटर, और रोजा टंकरिया से जो है अपना गंधार IOC प्लांट से मैं माल लोडिंग करता हूँ. तो आपकी गाड़ी को क्या हुआ? गाड़ी इस गड्ढे को देख ही रहे हैं आप अपने आमोद गांव में, जो है मैं इस समय खड़ा हूँ, गाड़ी मेरी फंसी है गड्ढे में और ऐसे विचित्र में फंसी हुई है कि क्या कहूँ मैं. अभी गाड़ी पलटते पलटते बची है, और गाड़ी अगर पलट जाती खुदा ना खास्ता, अगर कहीं अगर इसमें से जो सिलेंडर है मेरा बटला है एलपी गैस का, और कहीं अगर इसमें विस्फोट होने की संभावना सबसे अधिक होता है जब गाड़ी पलटती है या लड़ती है. और ऐसी कंडीशन में मैं तो क्या बोलूँ, मैं इतना अच्छा शासन प्रशासन का नाम सुनता हूँ गुजरात का, लेकिन ये रोड का गड्ढा देख के तो मुझे भरोसा ही नहीं है कि मैं गुजरात में हूँ कि मैं बिहार या झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में खड़ा हूँ. कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये गड्ढा का ये निस्तारण कब होगा. ये देख के तो शुरू से रोज़ का ही मेरा चलना है, रोज़ का ही ट्रिप लगता है, लेकिन ये गड्ढा देख के जो है ना भगवान से ही मनाता हूँ कि अब की बार भर जाए, अब की बार भर जाए, लेकिन फंस गया मैं आज. अब बस गाड़ी पलटते पलटते मेरी बची है, यही है कि मेरी ज़िंदगी बची हुई है. अभी डर तो बहुत लगा था जब गाड़ी इसमें फंसी, और ऐसा लगा कि पलट ही जाएगी, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ नहीं हुआ, बचा. तो आप क्या कहना चाहते हो ये कॉन्ट्रैक्टर को और अधिकारी को? मैं अधिकारी को यही कहना चाहता हूँ कि एक बार वो अपना आगे अपने क्षेत्र में जरा घूम कर देखे कि हमारे क्षेत्र का ये कैसा विकास दिख रहा है, जो पीटा जाता है ढोल बजा की जो है कि गुजरात अपने भारत में सबसे नंबर एक विकास दरों में है, वहाँ की व्यवस्थाएँ सबसे अच्छी. मैं ड्राइवर हूँ, मैं हर राज्यों में मेरा चलना फिरना रहता है, लेकिन चलिए बरसात है, मानता हूँ गड्ढे होते हैं, लेकिन गड्ढे को भरा भी हो जाता है तत्काल में. इस तरीके का एक्सीडेंटल बना के इस तरीके से गड्ढे को रखा गया है जिसमें गाड़ियां कब पलट जाए ऐसा दिखता है. तो इस सरकार को छोड़िए, शासन प्रशासन अधिकारी को भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने क्षेत्र को जो है दौरा करके और उसके बारे में देख के समझ के क्या उसमें करना है उस किया जा सके. ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, 10-15-20 दिनों से तो गड्ढा बड़ा से बड़ा होता ही जा रहा है. शुरुआत में कुछ गड्ढे भरे भी गए, लेकिन बाद में तो गड्ढे का विस्तार ऐसा हो गया कि ये रोड है या तालाब है कुछ समझ में नहीं आ रहा. मैं तो अधिकारी से यही विनती करना चाहूँगा कि सर, अगर आप थोड़ा सा भी अगर अपने आपको जिम्मेदार अधिकारी समझते हैं और जनता के प्रति अगर आपका अच्छा लगाव है, तो आप आइए और देखिए अपने क्षेत्र के में विकास कैसा दिख रहा है, गड्ढे कैसे दिख रहे हैं. इसको तत्काल कुछ रोड़े पत्थर डाल के ही भरा जा सकता है. बाद की बात है, बरसात के बाद आप रिपेयरिंग कराएं या ना कराएं वो अलग की बात है, लेकिन अभी तो तत्काल में आप इसमें रोड़ा पत्थर तो डाल के गड्ढे भर सकते हैं. गड्ढे की वजह से आमोद बाजार में गड्ढे की वजह से ये सब मेरा ये गाड़ी का नुकसान हुआ. बस गड्ढे में किधर लेके जाऊँ गाड़ी की समझ में नहीं आता है, इतना जोरदार खड्डा है. कभी उसके वजह से ही मेरी गाड़ी खराब हुई. अभी मेरा आदमी तो बड़ौदा गया है सामान लाने के लिए, फिर वहाँ से जब भी कभी आएगा कभी नहीं आएगा. इतना परेशानी है ये खड्डे की वजह से, रोड ही नहीं बना रहे हैं. ऐसा रोड कभी आपने देखा है? ऐसा रोड मैं कभी नहीं देखा है इस तरीके से. रोड कैसा रोड है? अरे रोड बहुत खड्डे हो गए हैं, बहुत बुरा रोड है. 24 घंटे हो गए हमको यहाँ पे, अभी मेरी गाड़ी यहाँ ठीक नहीं होने का, बीचों बीच रोड पे मेरी गाड़ी खराब हो गई है. ब्यूरो रिपोर्ट, शुभम उपाध्याय, भरूच.